मॉर्निंग। आज का हमारा है 8 डे, 8वां दिन, और अभी हम लोग निकल रहे हैं पैंगोंग से ले के लिए चांगला पास होते हुए। ये थे हमारे टेन के ओनर। आपका नाम? मैं तंजीन सर। जो भी है कैमरा में बाद में रिपीट कर लूँगा, आपका जबान टेढ़ा हो जाता है। नाम लेते थे तो इनका मैं टेंट लिया था। इनका टेंट का नाम है वज्रा कैंप, ठीक है। फाइनली हम यहाँ से निकल गए हैं पैंगोंग लेक से। अभी हम जा रहे हैं लेह, तो मिलते हैं रास्ते में। पहुंचा है दुर्बुक, और यहाँ से फिर रास्ता डिवाइड होता है। राइट वाला रास्ता जाता है हुंडर नुब्रा वैली, और लेफ्ट वाला रास्ता जाता है ले कारू होके। यहाँ से अराउंड 75 किलोमीटर में आएगा कारू, और उसके बाद फिर ले। है चांगला पास क्रॉस करने का रास्ता। चांगला पास ने सारे पूरी जटी लेकर दी है। मैं आपको बता रहा था कि हमको एवरी डे कुछ नया एडवेंचर देखने को मिलता है। यहाँ से फिर पहले खारदुंगला से नुब्रा से टुक टुक से वापस से हुंदर से वापस से पैंगोंग, और पैंगोंग से अभी वापस से लेह। लेकिन वहाँ चांगला पास देखो, नीचे मेरे पैर की देखो ऐसा बर्फ़ जमा है तो गाड़ी स्लिप होती है, चल ही नहीं पाती। लकीली हमारे रोड पे अभी तक तो कोई बर्फ़ जमा नहीं मिला। और ये है बर्फ। लगता है आगे, लगता है चांगला पास पहुँच गए। और अभी सांस लेने में उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तब जब भी जैसे देवन को रोहतांग पास में या मनाली ले हाईवे पे हुआ था। फाइनली वी डिड चांगला पास। चांगला पास हाँ है। तो अभी मैं हूँ चांगला पास पे। यह लिखा है कि वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट चांगला पास है। फाइनली वी डिड इट। यहाँ आ गए और हमारे ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल है। तो फाइनली हमारा चांगला पास कवर हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ गए। अभी सिर्फ उतरना ही है, नीचे ढलानी है, क्योंकि जो जितना चढ़ना था चांगला पास के लिए वो हमने चढ़ाई कर ली। बस एक अच्छी बात रही कि चांगला पास पे हमको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी एक्लेमटाइज हो गई है। अरे यार मेरे लेंस ख़राब कर दिया, अब से पूछने पड़ेंगे। ओके ओके तो फाइनली हम लोगों ने ये सर्किट कंप्लीट कर लिया है। 4 दिन से हम लोग ये बाइक ट्रिप कर रहे थे। पहले नुब्रा गए थे, लेह से खारदुंग ला होके, उसके बाद हमने 1 दिन ट्रिप किया तुरतुक का, उसके बाद हुंदर से नुब्रा वैली से निकले पैंगोंग के लिए, और आज पैंगोंग से हम लोग वापस से ले जा रहे हैं। तो ये ट्रिप जो है हम लोगों ने एक्चुअली में जाना कि इसको ड्रीम राइड क्यों बोलते हैं। ये तो कंफर्म है कि ये राइड मैं वापस से करने वाला हूँ। देखते हैं फ्यूचर में कैसे प्लान होता है। अभी मैं हूँ मनाली लेह हाईवे पे। आज का कुछ और प्लान नहीं है। हम लोगों ने जहाँ पहले दिन स्टे किया था, हाँ जी हाँ, वही काका जी का होम स्टे, आज भी हम लोग उधर ही स्टे करेंगे। और कल फिर निकलेंगे हम लोग श्रीनगर के लिए, लेकिन श्रीनगर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, बीच में हॉल्ट लेंगे। सोच रहे हैं कि सोनमार्ग में जाके लेंगे। तो दैट्स इट, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।